हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस. जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आज से हमारी क्या सीरीज स्टार्ट होगी, ओल्ड एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होगी. सो लेट स्टार्ट. माय नेम इज श्वेता चौधरी और आज से हम क्या करेंगे, अपने जो भी एचपी टेट में चैप्टर वाइज जो भी क्या आए हुए हैं, एमसीक्यू आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो मैंने लिए हुए हैं, उनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. तो लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द साइंटिफिक नेम ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज कम्पोज ऑफ. इसमें पूछा गया है कि जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो किसमें रखा जाता है. ऑप्शन नंबर ए जीनस ओनली, ऑप्शन नंबर बी स्पीसीज ओनली, या ऑप्शन सी फैमिली ओनली, या डी जीनस एंड स्पीसीज में रखा जाता है. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी होता है ऑर्गेनिज्म का नेम, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी हो, उसका नाम हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीनस से स्टार्ट करते हैं और स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं. जैसे मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इज जीनस एंड स्पीसीज इज इंडिका, और उनको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं. So our next question is, the process of grouping organism based on similarities and evolutionary relationships is known as. हमने पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने उनको, जैसे एनिमल्स है, रेंगने वाले एनिमल्स है उनको अलग कर दिया, यस बिल्कुल इरेक्ट है उनको अलग कर दिया, ऐसे कौन से क्या ऑर्गेनिज्म थे, कौन सा ऐसा क्या करेक्टर था जिनको उनके एवोल्यूशनरी बेसिस पे या उनकी सिमिलैरिटीज पे क्या किया हुआ, उनको अलग अलग किया है. ऑप्शन नंबर ए क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी नोमेनक्लेचर, ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन, या ऑप्शन डी टैक्सोनॉमी. तो कौन से बेसिस पे इनको अलग अलग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टैक्सोनॉमी. आप सभी को ये पता है, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम ब्रॉडेस्ट द मोस्ट स्पेसिफिक. इनको पूछा गया है, जैसे भी कोई एनिमल या प्लांट जिनको क्लासिफाई किया गया है, तो कौन से ऑर्डर, कौन सा स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसको इसमें क्लासिफाई किया गया है, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, या ऑप्शन बी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ऑप्शन सी फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, या ऑप्शन डी किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, फाइलम एंड फैमिली. तो यहाँ पे ये बहुत बार ऑर्डर पूछा जाता है, तो इसका क्या है बच्चों, आपको मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी. तो इसकी एक ट्रिक है, कीप पॉट क्लीन, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज, अदरवाइज फैमिली गेट सिक. कीप से के यानी कि किंगडम, पी से पी फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, और एस से क्या होगा, स्पीसीज. अपना क्या है, पॉट हमेशा क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फैमिली बीमार पड़ जाएगी. तो ये करेक्ट ऑर्डर है. तो करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. ये एक निमोनिक है जो आपको हमेशा याद रखना है, और इसके ही बेस पे क्या होता है, किसी भी प्लांट या एनिमल को क्या किया है, क्लासिफाई किया गया है. ये बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर है, और इसके ही क्या है, आपको बेस पे सब क्लासिफिकेशन याद रखनी है, कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक्स, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन ने, कार्ल लीनियस ने, ऑप्शन जी जॉर्ज मेंडल ने, या अल्फ्रेड रसेल वैलेस ने दिया हुआ था. तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया गया था कार्ल लीनियस के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Our question number fifth is, which taxonomic category is more inclusive, kingdom or family? इनमें से कौन सी ज्यादा एक्सक्लूसिव कैटेगरी है, कौन सी एक्सक्लूसिव कैटेगरी है, किंगडम, फाइलम, किंगडम और फैमिली, इनमें से कौन से सबसे ज्यादा
देखी जाती है या सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव है, कौन सी ज्यादा है? किंगडम इज मोर एक्सक्लूसिव देन द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे क्या क्या है, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, या ऑप्शन डी नेचुरल क्लासिफिकेशन, या ऑप्शन डी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है कि जैसे कि ये जो वर्ड होता है फाइलोजेनेटिक, इसका क्या रिलेशन होता है? इसका रिलेशन होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए स्पेसिफिक नेम इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि इसका जो भी एनिमल या प्लांट किसी भी नाम से उसको क्या किया गया है, नाम दिया गया है। जैसे मैंगो है, हम कॉमन नेम है इज मैंगो, ठीक है। हमारे यहाँ कोई भी आम का नाम क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं हम, मैंगो, ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम क्या हुआ, मैग्निफेरा इंडिका। जैसे कि ह्यूमंस का क्या है, होमो सेपियंस, ऐसे तो बोला जाता है ह्यूमंस, लेकिन क्या है साइंटिफिक नेम, होमो सेपियंस। वैसे ही कोई भी किसी भी कंपाउंड का क्या क्या कंपोनेंट का क्या किया है, साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, इसमें बोला गया है जेनरिक कंपोनेंट, जेनरिक जेनरिक नेम, ऑप्शन बी स्पेसिफिक एपिथिल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या नन ऑफ द अबव। आपको बताया है कि जो भी दो नाम होते हैं स्पीसीज और कौन सा होता है, जीनस होता है, और दूसरा क्या होता है, स्पीसीज होता है। तो पहला कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, जीनस, यानी कि जेनरिक नेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट, द ऑथर नेम एट द एंड ऑफ द साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट, जो कि जैसे कि कोई भी किसी भी और एनिमल, किसी भी ह्यूमन ने कोई भी स्पीसीज डिस्कवर की, तो उसका नाम आता है पहले जीनस में, फिर उसकी स्पीसीज आती है कि वो कौन सी स्पीसीज है, उसके बाद किसी ऑथर का जिसने वो क्या किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, उसने वो इन्वेंट किया हुआ है, उसके फर्स्ट दो लेटर आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए दैट दिस स्पीसीज वॉज first described by this author, option B that this species was first named by author, या option C both A and B, या option D none of the above। अभी मैंने आपको बताया है कि क्या है, कोई भी किसी ने कोई चीज invent की तो अपना नाम देते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया, तो जैसे कि जीनस और स्पीसीज लिख दिया उसका साइंटिफिक नेम, उसके आगे अपने लेटर के, जैसे मेरा नाम श्वेता है, जैसे मैंने कोई स्पीसीज डिस्कवर की तो मैंने उसका जीनस लिखना है कि वो कौन से जीनस से बिलोंग करती है, वो कौन से स्पीसीज है उसको बिलोंग करना है, और अपने नाम का फर्स्ट दो लेटर लिख लेने हैं एस एच, तो वो मैंने डिस्कवर की है, तो वो किसका आंसर क्या होगा, दैट्स This species was first described by this author. क्योंकि क्या है, जिस ये species क्या है, first described की है इस author ने, तो ये देखिए option number A is the right answer. Option number A. Our next question is question number 9. The level of similarity between organisms increases form. पूछा है कि जो कि जैसे जैसे सिमिलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ऑर्गेनिजम्स में, किस फॉर्म में होती है, किंगडम टू स्पीशीज होती है या स्पीशीज टू किंगडम होती है, या दोनों की सिमिलैरिटी दोनों की बहुत सेम रहती है, या दोनों ही होते हैं, कौन सी होती है। अभी आपको मैंने बताया है कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, हमेशा अपना बर्तन साफ रखे नहीं तो क्या हो जाएगी, फैमिली बीमार हो जाएगी। तो कौन से के उसमें है सीक्वेंस में, किंगडम टू स्पीसीज में क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स की क्या होता है, लेवल में सिमिलैरिटी बढ़ती रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द प्लेस ऑफ फाइलम एंड डिवीजन इन ए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। पूछा गया है कि प्लेस ऑफ फाइलम एंड डिवीजन किसके उस पे आती है, कौन से टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आती है। ऑप्शन नंबर ए डिवीजन इज बिलो टू फाइलम, फाइलम के नीचे होता है। ऑप्शन नंबर बी बोथ आर बिलो जीनस, जीनस से नीचे होता है, या ऑप्शन सी
Both are at the same level above class option D. Phylum is above the division. Phylum is above the division. अब पूछा गया है ये कहाँ पे आते हैं, ये कहाँ पे आते हैं, आपको याद रखे keep pot clean otherwise family get sick. तो इसमें क्या आएगा, ये दोनों ही कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको पता है प्लांट के केस में किसको बोला जाता है डिवीजन और एनिमल्स के केस में बोला जाता है कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं. तो ये दोनों किससे ऊपर आ रहे हैं, क्लास से ऊपर आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. पूछा गया है कि जो मेजोरिटी होती है हायर एनिमल्स और प्लांट्स में, उसमें बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो किसके बेस पे उनको अलग किया जाता है, किसके बेस पे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, किसके बेस पे उनको क्या किया होता है, नाम लिखा होता है, तो किसके बेस पे किया गया होता है. ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ के बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन एंड कॉन्सिक्वेंसेसनेस, ऑप्शन सी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बेस पे, या ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेसनेस. सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ये दोनों क्या है, बहुत एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 इज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डैश रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स. इसमें पूछा गया है कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कि क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं अपनी प्रोजेनी यानी कि अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म तैयार करने की, वो क्या होते हैं, ज्यादा या अपने एनिमल प्लांट्स पेरेंट्स के साथ क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. पूछा है किस के बेस पे, ग्रोथ के बेस पे या रिप्रोडक्शन के बेस पे, या ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म के बेस पे, या ऑप्शन डी कॉन्सिक्वेंसेसनेस के बेस पे. अगर नॉर्मली देखा जाए हम अपने पेरेंट्स के क्या है, लगभग लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. हम अपनी शक्ल मिलाते हैं कि मेरी शक्ल किस पे गई है, मम्मी पे गई है या पापा पे गई है, तो वो क्या होते हैं, हम लोग उनसे क्या हुए हैं, रिप्रोड्यूस हुए हैं. ठीक है, वैसे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स कि अगर नई प्रोजेनी बनेगी तो वो भी क्या होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे. सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज. इसमें पूछा गया है कि फैमिली को कौन से प्लांट स्पीसीज के बेस पे क्लासिफाई किया गया है. प्लांट्स को क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पे फैमिलीज में डालते हैं, या एनाटॉमी ऑफ प्लांट के बेस पे डालते हैं, या वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेस पे, या सीजनल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन के बेस पे डालते हैं. तो इसको किस में डालते हैं, कौन सी फैमिलीज को कहाँ क्या नाम दिया जाता है, किसके बेस पे नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेस पे नाम दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 14. द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज. हमें पूछा गया है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, इजेशन हो रहा है, किसके बेस पे हो रहा है, क्या कुछ होता है हमारी बॉडी के अंदर तभी हो रही है ना, ऐसे बोला जाता है कुछ ना कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है अंदर ही अंदर, मेटाबोलिज्म के बेस पे हो रहा है, ऑप्शन बी ग्रोथ के बेस पे हो रहा है, या रीजनरेट मतलब कि कोई नई चीज बनना, टूटने से बिखरने से बाद फिर से रीजनरेट होना, या रिप्रोडक्शन हो रही है, क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है. सो ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर, मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके बेस पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स. पूछा है सेल डिवीजन होती है किसमें, प्लांट्स में और एनिमल्स में, कब तक होती है, पूछ रहे हैं सेल डिवीजन कब तक हो सकती है, किसमें, प्लांट्स में और एनिमल्स में. ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूसली होती है, और एनिमल्स में ओनली अप टू द सर्टेन एज होती है. ऑप्शन बी ओनली अप टू द सर्टेन एज होती है प्लांट्स में, या कॉन्टिन्यूसली होती है एनिमल्स में. ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूसली इन प्लांट्स एंड नेवर इन एनिमल्स.
ऑप्शन डी वंस इन ए लाइफ टाइम इन प्लांट्स एंड ट्वाइस इन द लाइफ ऑफ एनिमल्स। कैसे कैसे होती है, जब तक प्लांट जीवित है तो उसकी क्या हो सकती है, सेल डिवीजन होती रहती है, और एनिमल्स की कोई एज होती है तब तक क्या होती है, उसके सेल्स डिवाइड करते हैं, कोई कोई एज होती है तब तक वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेल डिवीजन अकर कॉन्टिन्यूसली इन प्लांट्स एंड ओनली अप टू ए सर्टेन एज इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 16, द फंजाई द फिलामेंटस एल्गे द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय। अब इसमें पूछा गया है कि जो फंजाई है उसमें क्या और फिलामेंटस एल्गेस में जो क्या होता है, प्रोटोनिमा होता है मॉसेस का, जो कि इजीली मल्टीप्लाई कर जाते हैं, किस फॉर्म में मल्टीप्लाई करता है, कौन से फॉर्म में मल्टीप्लाई करता है। ऑप्शन नंबर ए बडिंग के फॉर्म में मल्टीप्लाई करता है, ऑप्शन बी फ्यूजन के, या ऑप्शन सी रीजनरेशन, या ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन के बेस पे। ये करता है फ्रेगमेंटेशन के बेस पे, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सक्लूसिवली इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पूछा गया है कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि सीजनल ब्रीडर पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, बोथ सीजनल ब्रीडर जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, कौन सा इफेक्ट उन पे ज्यादा पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए वाटर का, ऑप्शन बी टेम्परेचर का, ऑप्शन सी फोटोपीरियोडिक, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। किसका पड़ता है, ऑप्शन सी का, फोटो पीरियोडिक का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किस पे, सीजनल ब्रीडर्स पे। ऑप्शन नंबर सी फोटो पीरियोडिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जनरली इन प्योर कार्डबोर्ड। रहे हैं जो कीज होती हैं, जो क्या है, एक दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कि अपोजिट करेक्टर होते हैं, वो एक साथ पेयर में होती है, उन्हें क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए फ्लोरा, ऑप्शन बी कपलेट, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी मैनुअल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है जो कि कपलेट में प्रेजेंट होती है, कीज, कपलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑर्डर जनरली एंड्स विद। अब जब कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑर्डर कौन से बेस पे क्या होता है, एंड होता है। ऑप्शन नंबर ए एल्स में, ऑप्शन बी एसी में, ऑप्शन डी ए में, या डी नन ऑफ दिस। किसमें होता है ऑर्डर, हमेशा हमेशा एंड होता है, एल्स में एंड होता है, फैमिली एसी में एंड होती है। तो ऑप्शन ए इसमें पूछा गया है हमसे, ऑर्डर किसमें एंड होता है, तो एल्स में एंड होता है। तो हमेशा याद रखना ऑर्डर किसमें एंड होता है, एल्स में एंड होता है, और फैमिली एसी में एंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से पूछा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फॉर एग्जाम्पल लिविंग विंग ऑर्गेनिज्म, हम अपने आप को रख के देखें तो हमें क्या होता है, ग्रोथ भी चाहिए, रिप्रोडक्शन भी चाहिए, रिप्रोडक्शन भी चाहिए हमें इससे, मतलब इन्वायरमेंट की सेंस लेके मेटाबोलिज्म भी होता है हमारे अंदर, इंट्रेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, ऑल ऑफ द अबव, एंड हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट, ऑल ऑफ द अबव। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। इसमें से पूछा गया है कि कैसी कौन सी टर्म है जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेराइटी प्रेजेंट होती है प्लांट और एनिमल्स की, टेक्सोनोमी में, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन में, ऑप्शन सी बायोडाइवर्सिटी में, या ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन में। टेक्सोनोमी हायरार्की, नई चीज को आइडेंटिफाई करना कि किसमें रखें इसको, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आपको पता है, जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज आती हैं किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर, बायोडाइवर्सिटी इज द राइट आंसर. बायोडाइवर्सिटी को हम लोग क्या करते हैं, रेफर करते हैं नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स में रखते हैं. इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा वेराइटी मिलती है किसकी, प्लांट और एनिमल्स की. क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए एरिया. बोला गया है ऐसी कौन सी टैक्सोनॉमिक एड है जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन पाई जाती है, आइडेंटिफिकेशन पाई जाती है किसकी, नेम ऑफ द स्पीसीज और ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया की. ऑप्शन नंबर ए मोनोग्राफ में पाई जाती है, ऑप्शन बी मैनुअल में पाई जाती है, या ऑप्शन सी फ्लोरा में, या ऑप्शन डी पेरियोडिकल में पाई जाती है. तो यहाँ पे पाई जाती है मैनुअल में. सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है एक पर्टिकुलर एरिया की. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, ICBN स्टैंड फॉर. ICBN किस, क्या उसकी फुल फॉर्म हो सकती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल गार्डन, सॉरी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, या ऑप्शन बी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, या ऑप्शन सी इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, या ऑप्शन डी इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स. जैसे कि ICBN है, वैसे कि क्या होता है ICZN भी पाया जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. जैसे कि ICZN भी पाया जाता है, इसको बोलते हैं, इसमें बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, और ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में क्या इंक्लूडेड होते हैं, एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं. तो ICBN किस, क्या फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. और क्वेश्चन नंबर 24, हर्बेरियम इज ए, हर्बेरियम क्या होता है. ऑप्शन नंबर ए गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन, ऑप्शन बी गार्डन वेयर हर्बेशियस प्लांट आर ग्रोन, ऑप्शन सी ड्राई गार्डन, या ऑप्शन डी केमिकल टू किल प्लांट्स. ये क्या होती है, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक फाइल होती है जिसको क्या किया जाता है, जिसमें हर्बेरियम शीट्स रखी जाती हैं, और उसमें जो भी प्लांट होते हैं उनको ड्राई करके क्या किया रखा होता है, और साइड में बॉक्स में उसकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन लिखी होती है कि वो प्लांट कब लिया गया था, वो भी सब कुछ लिखा होता है. तो उस, ताकि क्या कर सके, हम काफी सालों तक उसको प्रिजर्व करके रख सके. कोई प्लांट है उनको बच्चों को स्टडी पर्पस में कर सके, या आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, या किसी न किसी काम के लिए कर सकते हैं. तो हर्बेरियम क्या है, एक ड्राई गार्डन है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन. पूछा गया है जो फेमस द वर्ल्ड बोटेनिकल गार्डन क्यू है वो कहाँ पर है. ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी बर्लिन में, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में. तो फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है ये. ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में पाया गया है ये, बट कहाँ पे बना हुआ है, फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे बना गया है, इंग्लैंड में बना गया है. इसका नाम क्या है, क्यू है. सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे. और यहाँ पे क्या है, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं साथ साथ में. ये देखिए, आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी पिछले टाइम एचपी टेट में पूछे गए हैं, और आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस के रूप में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.